अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है उसामा हाफिज। तो आज की इस वीडियो में आपको मैं 2024 में वॉलमार्ट का स्टोर कैसे बनाते हैं कंप्लीट आपको गाइड करूंगा, आपको बनाकर दिखाऊंगा, आपको फॉरेन से अप्रूवल कैसे मिलेगा, आपकी LLC जो है वो नई है या पुरानी है आप मैटर नहीं करता, जस्ट आपको तरीकाकार आना चाहिए कि वॉलमार्ट का स्टोर बनता कैसे है। वॉलमार्ट ने अपनी पॉलिसीज को अपडेट किया है, आजकल बहुत जल्दी आपको इंस्टेंटली अप्रूवल मिल जाता है। तरीकाकार क्या है, जस्ट आपको यहाँ पर आना है, आपको इंफॉर्मेशन जो है अपनी वो ध्यान से यहाँ पर लिखनी है। आप आपकी जो LLC है ठीक है, उसका जो फर्स्ट नेम है, जो लास्ट नेम है, जिस बंदे के नाम पर रजिस्टर्ड है, उसकी सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर आएगी, लीगल बिजनेस नेम यहाँ पर आएगा। मैं आपको एक बार फिल करके दिखाता हूँ, उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप्स को फॉलो कीजिएगा। आपको मैं यहाँ पर इंस्टेंटली अप्रूव कैसे होते हैं उसका सारा तरीका कार बताऊंगा, ठीक है, मेरे साथ रहिएगा। वॉलमार्ट जो है अभी पहले से बहुत ज्यादा अपडेट कर दिया गया है, आजकल अप्रूवल लेना बहुत ज्यादा आसान है, लेकिन उतना ही ज्यादा मुश्किल भी है कि आपका स्टोर जो है बाद में वेरिफिकेशन के केस में सस्पेंड भी हो सकता है। तो आपने कभी भी तुक्के वाली इंफॉर्मेशन इस्तेमाल नहीं करनी, अपनी ओरिजिनल LLC बनवाओ, टेक्सास में बनवा लो, वायोमिंग में बनवा लो, या फ्लोरिडा में बनवा लो, या किसी भी स्टेट में बनवा लो, इजिली ओपन हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, पहले जो है हम लोगों से यहाँ से जो एरिया है ना, जैसे कि हमारे जिस कंट्री में LLC रजिस्टर्ड है उसका यहाँ पर नहीं पूछता था, और पहले पेज के ऊपर हमसे आइडेंटिफिकेशन जो नंबर है हमारा, एम्प्लॉयर आइडेंटिफिकेशन नंबर, EIN नंबर, ये भी नहीं पूछता था। अभी जो है वॉलमार्ट ने अपने आप को अपडेट किया है, तो उसके बाद जो पहले पेज पे ही आपसे सारी इन्फॉर्मेशन पूछ लेता है। उसके बाद आपका जो ईमेल है ना, वो ऐसे होना चाहिए कि आप जिस कंपनी में काम करते हो या जिस कंपनी के थ्रू आपका अकाउंट बना हुआ है पहले से, या आपका EIN नंबर जहाँ पर रजिस्टर्ड है, आपने उस कंपनी का नाम शुरू में लिखना है, या उसके बाद @ के बाद आपकी कंपनी का नाम आना चाहिए, या आपकी वेबसाइट का नाम ऐसे आना चाहिए, या एक प्रोफेशनल से जो ईमेल होती है ना वो आपकी होना जरूरी है। ये नहीं कि @gmail आ जाए, या हॉटमेल आ जाए, या outlook.com आ जाए, तो थोड़ा सा अपग्रेड करो अपने आप को। तो जैसे आप इस तरह का ईमेल इस्तेमाल करोगे ना तो उसके चांसेस ज्यादा हैं अप्रूव होने के, ठीक है। उसके बाद चलते हैं आगे क्रिएट अकाउंट के ऊपर। तो एक OTP कोड आता होता है हमारा जो है Gmail, जो हमने सेलेक्ट किया होता है, साथ लगाया होता है उसके ऊपर, तो वो प्रोवाइड करने के बाद आगे जो है फर्दर प्रोसीजर जो है वो मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, जैसे ही आप OTP वगैरह प्रोवाइड करते हो तो यहाँ पर आपसे एक नोटिफिकेशन आता है कि यू आर ऑफिशियली अ सेलर। तो इस चीज को देखकर आपने अपने आप को सेलर नहीं मानने लग जाना, जस्ट ये एक ऑनबोर्डिंग आपकी एक्टिव होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपसे एक सेलर बन गए हो, आपके सामने जस्ट ऑनबोर्डिंग एक्टिव है, आप देख सकते हो यहाँ पर। अच्छा, असल जो है ना हमारी ये चीज जो है ये वेरीफाई होनी चाहिए। अब ये लोगों को वेरीफाई करनी नहीं आती, जिसकी ये चीज वेरीफाई हो जाती है उसका अकाउंट समझ लो कि $1,000-2,000 का बिकता है। ये वॉलमार्ट का नया स्टोर जो है तकरीबन $1,000 से $1,500 तक का इजिली बिकता है, काफी सारे लोग इसे $300, $400, $500 में भी बना कर देते हैं, तो ये डिपेंड करता है। अभी देखिएगा यहाँ पर पहले नंबर पे LLC नेम हमने लिख दिया, उसके बाद अभी आगे बिजनेस एड्रेस वगैरह जो है वो मैं प्लेस करने जा रहा हूँ। बिजनेस एड्रेस प्लेस कैसे करना है, उसका तरीका कार क्या है, आप यहाँ पर देख सकते हो। मैं सबसे पहले जो है अपना एड्रेस जो है वो मैं चूज कर रहा हूँ यहाँ से, जो मेरे पास ऑलरेडी लिखा हुआ है, ठीक है। मैं एड्रेस वगैरह प्लेस करूंगा यहाँ पर, ये आपकी ना उसके ऊपर होगा LLC जिस डॉक्यूमेंट के ऊपर बनी होगी आपके पास ऑलरेडी होंगे, उसके ऊपर जो रजिस्टर्ड एड्रेस है वो आपने चूज कर लेना है। अच्छा, सिटी जो है वो यहाँ पर मैं लिख दूँ, उसके बाद आगे फर्दर प्रोसीजर आपको बताता हूँ मैं। अच्छा, लोग ना यहाँ पर वेबसाइट जो है वॉलमार्ट के लिए वो थर्ड क्लास वेबसाइट चूज करते हैं। अगर मैं आपको अपना एक्सपीरियंस दूँ तो वॉलमार्ट के लिए आपकी शॉपिफाई की वेबसाइट अच्छी रहेगी। शॉपिफाई की वेबसाइट आप यूज करो, शॉपिफाई इज बेस्ट। शॉपिफाई के ऊपर आप एक अच्छा थीम बाय कर लो, $150-200 वाला, ये मस्ट है। उसके बाद आप उसके ऊपर कोई प्रोडक्ट्स ऐसे लगाओ जो कि ट्रेंडी प्रोडक्ट्स हो, और आपने कैटेगरी कोई ऐसी चूज करनी है, मैं आपको अगर बताऊं तो जिसमें ज्यादा अकाउंट अप्रूव होते हैं ना वो कैटेगरी है ये वाली, ये ड्यूरेबल गुड्स वाली, ठीक है। इसी कैटेगरी में अपनी वेबसाइट बना लो, ठीक है। शुरू वाली जो है ना, मतलब कि जो बहुत कम कैटेगरीज है, जैसे कि ऑटोमोटिव है, या उसके अलावा जो ट्रेंडी कैटेगरीज है उनमें आपने नहीं बनाना, क्योंकि ना बाद में फिर वो अप्रूवल में इशू आता है। जो नई कैटेगरीज हैं उनमें आप बनाओ जो बहुत कम इस्तेमाल होने वाली हैं, जैसे बेबी और ड्यूरेबल गुड्स वाली हो गई, बुक्स एंड मैगजीन हो गई, ठीक है। उसके बाद कैमरा एंड सप्लाई, सेलिब्रेशन वाली हो गई, कुक एंड कोक एंड डाइन वगैरह हो गई, इस तरह से।
लोग यूज करते हैं होम डिकोर, और उसके अलावा ये हेल्थ एंड हाउस होल्ड की जो है ये कैटेगरी चूज कर लेते हैं। लेकिन मैं अगर आपको बताऊँ ना, तो कोई नई चीज ट्राई करनी चाहिए। इसके ऊपर मैंने खुद जो है तकरीबन काफी सारे अकाउंट अप्रूव करवाए हैं इसी कैटेगरी में, ठीक है? तो आप ये वाले चूज कर लो, तो आपका एक बार वेरीफाई हो जाए, उसके बाद भरे नहीं आ रहे हैं आपके। अच्छा, वेबसाइट लिखने का तरीका कार क्या है यहाँ पर? देखो, पहले HTTPS, आगे फिर जो है वो डबल डॉट है यहाँ पे, फिर डबल स्लैश है, उसके बाद आगे जो है ये www. एग्जाम्पल उन्होंने दी हुई है। लोग क्या करते हैं, www के साथ लिखते नहीं है, सिंपल HTTP इसके साथ कॉपी करते हैं और वेबसाइट प्लेस कर देते हैं। हालांकि ये तरीका गलत है, ठीक है? जैसे कि एक मैंने वेबसाइट यहाँ पर रैंडम प्लेस की, आप देख सकते हो, ठीक है? उसके बाद जो है वो कह रहा है कि आप मंथली कितना, यानी कि ईयरली या मंथली जितना भी आपका बन जाता है वो कितना, आपने दूसरा या तीसरा ऑप्शन आपने चूज करना है, ठीक है? मतलब अपने आपको हैवी इन्वेस्टर शो करवाना है यहाँ पर, ठीक है? दूसरा वाला ऑप्शन ठीक रहेगा। अब डिस्प्ले नेम पूछ रहा है, डिस्प्ले नेम क्या रखना चाहते हो, ये डिपेंड करता है, आप कोई भी नाम चूज कर लो जो आपको अच्छा लगे, ठीक है? उसके बाद जो है अगला काम, आपने एक फोन नंबर देना है जो कि कस्टमर सर्विस के लिए हो, और उसके बाद आप एक सेकेंड ईमेल दोगे जो कि कस्टमर सर्विस के लिए होगी। बस इतना सा काम है, उसके बाद आपने सबमिट फॉर रिव्यू कर देना है इसको। अगर कोई मिस्टेक होगी तो ये आपको बता देगा कि दोबारा से आप इसको फिल करें, ठीक है? जैसे कि आप वो कह रहे हैं कि 2 या 3 दिन लगेंगे इसको वेरीफाई होने में, ठीक है? तो अगर एक बार आपका वॉलमार्ट अकाउंट बन चुका है तो दिस इज गुड, अगर वो वेरीफाई हो गया, और अगर वेरीफाई नहीं हुआ तो आप दोबारा से ट्राई कर सकते हो। ये मेरा आपको बेहतरीन मशवरा है, आप दोबारा से ट्राई करो मल्टीपल टाइम। मेरे ऐसे दोस्त हैं जो वॉलमार्ट अप्रूवल की सर्विसेज देते हैं, तो मैंने उनसे ये हैक पूछा था। मैंने कहा यार, अगर एक बंदे की LLC एक बार रिजेक्ट हो गई तो क्या किया जाए? वो कहते हैं यार, अगर 50 बार भी अप्लाई करना पड़ता है, आप करो, आप क्यों मतलब के रिस्क ले रहे हो, किसी और के आसरे पे छोड़ रहे हो कि यार मेरे लिए अकाउंट बनाएगा नहीं। लोग अप्रूव करवाते हैं, एक वेबसाइट काम नहीं की दूसरी बना लो, दूसरी काम नहीं की तीसरी बना लो। लेकिन वेबसाइट जो है ना, इट इट मस्ट बी लाइक अ ब्रांड वेबसाइट। मतलब कि एक ब्रांडेड वेबसाइट कैसी होती है, जिसके ऊपर दुनिया के ट्रेंडी प्रोडक्ट्स लगे होते हैं। शॉपिफाई की मल्टीपल वेबसाइट्स आपने देखी होंगी, जिनमें आप देख रहे होंगे कि लोग हाई लेवल की जो सेल कर रहे हैं, हाई लेवल की जो प्रोडक्ट्स हैं वो लगा रखे हैं, और ये नहीं कि सिर्फ वेबसाइट बना के छोड़ दो, उसके ऊपर तकरीबन $2,000-3,000 की सेल भी ग्रैब करो। क्योंकि जो वॉलमार्ट का जो बोट सिस्टम है ना, जो इनके बैकअप पे बोट्स बैठे होते हैं, जो फॉरन से आपकी वेबसाइट देखते हैं, आपकी LLC की प्रोग्रेस देखते हैं, और 24 घंटे में आपको रिप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे ह्यूमन पर्सन बहुत कम बैठे होते हैं बैक एंड पे ना, वॉलमार्ट की अप्रूवल की बैक एंड साइड पे जो लोग बैठे होते हैं, बिहाइंड द सीन आप कह लो, ठीक है, वो बहुत कम ह्यूमन पर्सन होते हैं, ज्यादातर लोग होते हैं बोर्ड सिस्टम पे। मतलब के आगे कोई AI फंक्शन बैठा होता है, ह्यूमन पर्सन नहीं बैठा होता, AI फंक्शन होता है या कोई रिपोर्ट सिस्टम होता है जो आपको रिप्लाई करता है, ठीक है? तो आपने उसके उसके हिसाब से चलना है, उसको आपने हैक करना है, उसको क्रैक करना है, उसकी जो अंडरस्टैंडिंग और यानी कि उसकी जो फीलिंग है उसको आपने समझना है। अब लोग मैंने देखा है जिनके वॉलमार्ट के स्टोर्स अप्रूव होते हैं ना, उन लोगों को जो आगे रिपोर्ट सिस्टम बैठा है ना, उसको समझ लेते हैं वो कि यार ये क्यों रिजेक्ट कर रहा है, ठीक है? फिर वो बार बार अप्लाई करते हैं और अप्रूवल ले लेते हैं। मेरे मुल्तान में और लाहौर में काफी सारे दोस्त हैं जो बार बार ट्राई करते हैं और अप्रूवल ले लेते हैं। तो ऐसा नहीं है कि यार अगर एक बार आप रिजेक्शन आ गई है, अकाउंट आपका बैन हो गया, तो दोबारा भी आपके साथ ये होगा, नहीं, ऐसा नहीं है। आप वेबसाइट चेंज करो, LLC के नाम पे वेबसाइट बना लो या डोमेन चेंज कर लो, बार बार आप जो है उसके ऊपर कुछ ऑर्डर आप ग्रैब करो वेबसाइट के ऊपर, जैसे कि शॉपिफाई की वेबसाइट आपने बना ली, उसके ऊपर कुछ ऑर्डर आप ग्रैब करो वेबसाइट के ऊपर। ये नहीं कि दूसरे किसी का टेम्पलेट उठा के आपने ऐड कर लिया, किसी दूसरे के प्रोडक्ट्स आपने उठा के ऐड कर लिया, ऐसा नहीं होता, ठीक है? अभी ये समटाइम तो 2 मिनट में अप्रूव हो जाता है, समटाइम ये चलते चलते खुद ही जो है वो डिक्लाइन हो जाता है, डिक्लाइन कर दिया जाता है, और यहाँ पर लिखा जाता है कि योर रिक्वेस्ट जो है वो डिक्लाइन कर दी गई है, ठीक है? उसके बाद अगला प्रोसीजर होता है कि आप यहाँ पर अपना पियोनियर अकाउंट अटैच करो, और या पेपल अकाउंट अटैच कर लो, या हाइपर वॉलेट के थ्रू अपना बैंक अटैच कर लो आप, बहुत ईजी है। उसके बाद अपना जो स्टार्ट शिपिंग मेथड है, आप यहाँ पर किसी भी वेयर हाउस का एड्रेस दे दो जो आप इस्तेमाल कर रहे हो USA में, और ये आपका काम चालू हो जाता है, ठीक है? ये इतना सा काम है, बस थोड़ा सा डिफिकल्ट प्रोसेस क्या है कि ये जो वेरीफाइंग वाला सिस्टम है ना, यहाँ पर आपको वेबसाइट और जो LLC है ये बहुत ध्यान से आपको पुट करनी है।
और ये रिजेक्शन जो है ना, ये हर बंदे को फेस करनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि पहले यानी कि हिट में ही आपको अप्रूवल मिल जाए, बहुत कम लोगों को मिलता है। तो आप बार 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 ट्राई करो, नए सिरे से नया ईमेल जनरेट करो, आपको मिल जाएगा अप्रूवल। ऐसा नहीं है कि वालमार्ट अप्रूवल नहीं देता, जिन लोगों के अप्रूव होते हैं वो भी तो आखिर कोई ना कोई हरबा आजमाए रही है, ठीक है, कोई ना कोई ट्रिक उनके पास है, या जो बार बार ट्राई कर रही है, ठीक है। तो अगर मैं आपको बताऊं, मैंने आपको हर चीज बता दी, पीछे कोई ऐसी चीज मैंने छोड़ी नहीं है जो आपको ना बताई हो। और अगर आपको वालमार्ट की प्रॉपर जो है वो ट्रेनिंग क्लास ज्वाइन करनी है, या आपको प्रॉपर जो है वो लर्न करना है, तो आप मेरा जो वालमार्ट का कोर्स है वो आप देख सकते हो, यूट्यूब पर फ्री वाला पड़ा हुआ है। और एक पेड कोर्स है जो कि मेरी गूगल ड्राइव में मिलता है आपको, वालमार्ट ड्रॉप शिपिंग का, ये वाला। इसमें आपको कंप्लीट वालमार्ट हंटिंग, वालमार्ट सोर्सिंग, लिस्टिंग, ऑर्डर प्रोसेसिंग, मतलब के जो ऑर्डर कैसे लगाया जाता है किसी भी थर्ड पार्टी वेबसाइट से, आप अपना कार्ड इस्तेमाल करके कैसे आप सोर्सिंग कर सकते हो किसी दूसरे का नहीं, ट्रैकिंग जो है वो कैसे दी जाती है, ट्रैकिंग के इश्यूज आ रहे हैं आजकल, वो सारा मैंने इसमें बताया हुआ है। वालमार्ट टर्मिनेशन का भी कोर्स इसमें ऐड करूंगा मैं। ये पूरी गूगल ड्राइव आपको मिलेगी 15,000 रुपए में, वालमार्ट का अगर कोर्स चाहिए तो वो भी 15,000 रुपए में मिलेगा कंप्लीट आपको। उसकी जो इंफॉर्मेशन है आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप करें, मेरी टीम जल्द से जल्द आपको रिप्लाई देगी। मेरा व्हाट्सएप नंबर ये वाला है, ठीक है, और 1 घंटे या 2 घंटे के अंदर अंदर आई होप आपको रिप्लाई दे दिया जाएगा, ठीक है। फिर भी कोई सवाल जो है वो आप कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ लो। और कोर्स जो है ये हर महीने अपडेट होता है, आपके साथ आपकी जीमेल पे शेयर कर दिया जाएगा आफ्टर पेमेंट, ठीक है। और उसके अलावा किसी को अमेजोन का कोर्स चाहिए तो अमेजोन के लिए भी, इसमें अमेजोन होलसेल, अमेजोन ड्रॉप शिपिंग, अमेजोन रिटेल आर्बिट्राज कंप्लीट इसमें मैंने अपने मेथड से समझाया हुआ है। और एडवांस लेवल का कोर्स है ये सारा, पेड है, इसमें इनवाइसिस भी अवेलेबल है। अमेजोन पे काम कैसे करना है कंप्लीट कोर्स है अमेजोन का, ये भी 15,000 रुपए का, ठीक है। पूरी गूगल ड्राइव आपसे शेयर कर दी जाएगी। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। एक बार मैं दोबारा से चेक कर लूँ क्या मेरा जो स्टोर है वो कोई नोटिफिकेशन दे रहा है या नहीं दे रहा, अभी देख लेते हैं। यहाँ पर फिलहाल जो है ये मेरे ख्याल से वेरिफिकेशन की प्रोसेस में है, तो 24 आवर या 48 आवर्स के अंदर अंदर आपको रिप्लाई आ जाता है, ठीक है। और अगर तो गुड न्यूज हुई तो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह, अगर रिजेक्शन हो गई तो उसके लिए माजरत, ठीक है। वैसे जो प्रोसेस है इसकी, मतलब कि 100% जो प्रिडिक्शन है वो आप नहीं कर सकते कि आपको वालमार्ट अप्रूवल पहले चांस पे ही मिल जाएगा, ठीक है। रिजेक्शन आती है, मैं सच बात कर रहा हूँ, लेकिन आपको बार बार अप्लाई करने की परमिशन है, आप कर सकते हो, आप अप्रूव हो जाओगे, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर देना। अल्लाह हाफिज, अल्लाह आप सबका हमें नासिर हो।